सोमवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर बने नाले का नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने निरीक्षण किया और साफ सफाई करने का निर्देश भी दिया, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि 4 जून को महामहिम राष्ट्रपति का जनपद में आगमन हो रहा है तथा उनके आगमन एवं भ्रमण कार्य को देखते हुए शहर को नगर निगम द्वारा सजाने और संवारने का कार्य किया जा रहा है। उसी संबंध में जितने नाले हैं उसकी साफ सफाई की जा रही है, क्योंकि अगले 15 जून से बारिश होने की संभावना है। शहर में किसी प्रकार की जल जमाव ना होने पाए, इसलिए जितने भी बड़े मझोले छोटे वाले हैं सब की सफाई की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, जैसा कि आपके संज्ञान में है, माननीय मुख्यमंत्री जी जनपद गोरखपुर में आए हुए हैं और 4 जून को माननीय राष्ट्रपति महोदय का जनपद गोरखपुर में भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तावित है और उसके साथ ही साथ उनके भ्रमण कार्यक्रम को देखते हुए पूरे शहर को, पूरे नगर निगम क्षेत्र को सजाने और संवारने का काम किया जा रहा है। उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारे जितने नाले हैं उनकी तली झाड़ सफाई कराई जा रही है, क्योंकि 10 से 15 जून के बीच में मानसून के भी आने की पूरी संभावना है। उसकी वजह से कहीं पर वाटर लॉगिंग ना हो, कहीं पर जल जमाव ना हो, उन सभी को ध्यान में रखते हुए हमारे शहर में जितने भी हमारे बड़े, मध्यम और छोटे नाले हैं सबकी हम तली झाड़ सफाई करा रहे हैं और उन्हीं का हम लोग जो है पूरी हमारी टीम जो है सुबह 6 बजे से लेकर लगातार 12 बजे तक फील्ड पर रख के भ्रमण करती है, जिससे कहीं किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। और आज शाम को 4 बजे हमारा इसी जो वाटर लॉगिंग को लेकर एक बहुत ही बड़ी मीटिंग है, जिसमें सारे इंजीनियरिंग सेक्शन के सारे जोनल ऑफिसर, सारे सैनिटेशन से जुड़े हुए सारे ऑफिसर जो हैं मौजूद रहेंगे और उसमें इस बात की समीक्षा होगी कि कितने नाले पूरी तरह से तली झाड़ उनकी सफाई हो चुकी है और कितने नाले अभी बचे हैं जिन पे और तेज़ी से काम करना है।